अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीवर डिजीजेज इन प्रेगनेंसी। और ये मेडिकल डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मौजूद है, तो इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आता है। सो हमने किस तरह से पढ़ना है कि अगर हम लीवर डिजीज इन प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट फैटी लीवर डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, हमें हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में पता होना चाहिए, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, और इन सब की जो डीडी में हेल्प सिंड्रोम भी आता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इन अपर डिजीजेस से। सो आप जब भी सीपीएसपी का कोई एमसीक्यू देखेंगे तो एक सिनेरियो गिवन होगा और उसकी ऑप्शंस में से इनमें से कोई चार ऑप्शंस होंगी और आपको एक चूज करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से करना है तो आपको इन तमाम के डिफरेंसेस अच्छे से आने चाहिए टू सॉल्व द पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस? इसको इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। सबसे पहले इसका इंसिडेंस जो कि 0.7% है या 1 in 140 फीमेल्स। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी की मदर को या किसी की सिस्टर को, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर हिस्ट्री हो तो 7-fold रिस्क जो है इस डिजीज का बढ़ जाता है। इसके अलावा मल्टीपैरस में होता है, हेपेटाइटिस सी की हिस्ट्री हो उनमें, जिनमें गॉल स्टोन्स हो उनमें, तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। सो जिस सिनेरियो में लिखा हो कि पेशेंट की मदर को था, सिस्टर को था, तो आपने सोचना है कि किस डिजीज का लिंक है विद द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो उसमें एक इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी आता है। अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, तो वो प्यूराइटिस होता है। अब ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये पता होनी चाहिए कि मेन कंप्लेंट पेशेंट की प्यूराइटिस ही होती है, तो मेन सिम्टम प्यूराइटिस। ये पूछ जाता है कि मेन साइन ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, तो मोस्टली लोग इसको जॉइंडस करके आ जाते हैं, जबकि जॉइंडस जो है वो जरूरी नहीं कि हो, और हो भी तो वो रेयर होता है, मतलब 10% लोगों में जॉइंडस वाला फीचर आएगा। तो मेन साइन अब प्यूराइटिस होती है तो क्या करते हैं, इचिंग करते हैं, तो क्या होता है, एक्सकोरिएशन मार्क्स बनते हैं। और ये याद रहे कि रैश नहीं होता इसमें, इसलिए इसमें रैश को कभी टिक नहीं लगाना। सो अगर इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जाए तो ये दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हर बार ही पूछे जाते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में हो क्या रहता है कि विद इन द हेपेटोसाइट्स बाइल एसिड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम, वो ट्रांसपोर्टर जो इनको सेंड कर रहा होता है इन द बाइल डक्ट्स जो कि लीवर में मौजूद होती हैं, वो सिस्टम ख़राब होता है। तो जब वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा जो बाइल एसिड्स को बाइल डक्ट में भेज रहा था, तो क्या होगा कि सारे का सारा बाइल एसिड एक्यूमुलेट हो गया हेपेटोसाइट्स में। जब ये ज़्यादा ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो कहाँ जाएगा, वापस इनटू द ब्लड। तो इसीलिए इस डिजीज में आपको मेन फीचर क्या मिलता है कि रेज्ड सीरम बाइल एसिड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करते हैं, इचिंग कॉज करते हैं। तो पेशेंट का पहला सिम्टम क्या होता है, प्यूराइटिस, और प्यूराइटिस की वजह से बन जाएंगे वहां पर निशान, जिसे हम कहते हैं एक्सकोरिएशन मार्क्स। सो कितनी इजी सी बात है, इसको अपने रट्टा भी नहीं मारना। फिर क्या होता है कि अगर बाइल एसिड्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा कि हेपेटोसाइट्स नाराज हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। तो जब ये स्वेल कर जाएंगे तो क्या होगा कि इनके दरमियान में जो बारीक सी डक्ट्स हैं, मासूम सी, वो हो जाएंगी कोलैप्स। तो अगर हेपेटोसाइट्स सारे के सारे स्वेल कर जाएं तो उनके दरमियान से गुजरने वाली डक्ट्स कोलैप्स कर जाएं तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हेपेटोसाइट्स और क्या बना रहे होते हैं, ये बाइल बना रहे होते हैं, मीन उसमें बिलीरुबिन होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या होगा कि जो बिलीरुबिन है वो आगे डक्ट में जाएगा तो सही ही, लेकिन आगे वो ब्लॉकेज की वजह से पास नहीं कर सकेगा इनटू द जीआईटी सिस्टम, क्योंकि क्या होता है कि इन डक्ट से पास होकर वो आता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बिलीरुबिन आता है तो वहाँ से वो कलर देता है फीसिस को। तो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, विद इन द बाइल डक्ट्स, और वो डक्ट्स कौन सी हैं जो कि लीवर के अंदर मौजूद है, तो लीवर के अंदर मौजूद डक्ट्स में है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बाइल सारे का सारा जमा हो जाएगा लीवर के अंदर ही, तो क्या होगा कि उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो भी वापस आ जाएगा इनटू द ब्लड, तो ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल हो जाएगा ज़्यादा,
कौन सा बिलीरुबिन शुरू में आया जाएगा कॉन्जुगेटेड और बाद में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी हाई हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखें कि बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में हो जाएगा ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये यूरिन में आएगा तो डार्क कलर यूरिन आएगा, जब ये आईज में आएगा तो येलो कलर आईज होंगी, और क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है और ये बिलीरुबिन जीआईटी ट्रैक में नहीं आ रहा तो कौन से स्टूल्स होंगे, पेल कलर स्टूल्स। ये कौन सा जॉन्डस है जिसमें पेल कलर स्टूल्स हैं और डार्क यूरिन है, येलो आईज हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस। और इसको हम इंट्राहेपेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर मौजूद डक्ट्स की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, मीन कोलिस्टेसिस हुई, यानी इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस हुई, लीवर के अंदर जमा हुआ बाइल, इसे कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, जिसकी वजह से हो गया जॉन्डस, तो इसे हम कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस। सो ये छोटी सी मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बने और आपको रटा ना मारना पड़े। और हमने ये कह दिया कि बाइल एसिड्स आपको सीरम में ज़्यादा मिलेंगे, आपको बिलीरुबिन का लेवल जो है ब्लड में हाई मिलेगा, आपको जॉन्डस मिलेगा। अब ये जो नाराज सेल्स थे, स्वेल्ड सेल्स थे, ये हेपेटोसाइट्स बस्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर मौजूद मटेरियल एएसटी एएलटी वो ब्लड में आ जाएगा, तो एएसटी और एएलटी भी आपको ज़्यादा मिलेगा। आप देखें बगैर आपने रट्टा मारे इस चीज़ को समझ लिया। सो मेन स्नैरियो कैसे आपने याद करना है कि किसी भी स्नैरियो में लिखा हो कि मल्टी ग्रेविडा मोस्टली, ठीक है, मल्टी पैरस फीमेल में ही होता है मोस्टली, तो उसको प्यूराइटस है और प्यूराइटस भी खास तौर पे पाम्स एंड सोल्स में है, मतलब कोई और ऑब्वियस वजह नहीं पता चल रही, बस कह रही है खारिश है, कोई उसने नट्स भी इस्तेमाल नहीं किए, कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की, तो और ख़ास तौर पर रात के टाइम, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, और घर के बाकी अफराद को नहीं है, बिकॉज अगर कोई स्केबीज में बाकी घर के लोगों को भी होता है तो उसमें किसी और को भी नहीं होगा, उसकी हिस्ट्री होगी, आपने पूछना है। और मोस्टली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट में नहीं हो सकता, एट्थ वीक में भी ये प्रेजेंट कर सकता है। तो टिपिकल बातें क्या याद रखनी है कि मल्टीपैरस होगी, उसको प्यूराइटस होगी, पाम और सोल्स में होगी, मोस्टली रात के टाइम होगी, घर में किसी और बंदे को नहीं होगी, थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी, और प्यूराइटिस की वजह से एक्सकोरिएशन मार्क्स बॉडी में होंगे, रैश नहीं होगा, डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल होंगे, और कैरेक्टरिस्टिकली रेज्ड सीरम बाइल एसिड मिलेगा जिसकी वैल्यू कम से कम 10 माइक्रोमोल पर लीटर होनी चाहिए, और अगर ये 40 माइक्रोमोल पर लीटर है तो ये डिजीज की सेवेरिटी शो करेगा, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर आएंगी मदर में भी, और ख़ास तौर पर ये किसके लिए डेंजरस है, बेबी में, हम आगे इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा वो जो नाराज सेल्स थे वो क्या बस्ट होंगे, मीन लीवर सेल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि एएसटी और एएलटी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या आपने याद रखना है कि एएसटी और एएलटी कितना ज़्यादा होगा, 6 times ज़्यादा होगा, मतलब 6 times तक वो ज़्यादा हो सकता है। बाज़ डिजीज़ में एएसटी और एएलटी 50 times ज़्यादा हो सकता है, बाज़ में 10 times, तो इसमें 6 times होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। नॉर्मल एएसटी और एएलटी की आप टिपिकल वैल्यू याद कर ले 30, तो 30 जो है नॉर्मल वैल्यू है, और अगर इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी में एएसटी और एएलटी बढ़ा होगा तो मैक्सिमम 6 times वो बढ़ा होगा। इसके अलावा बिलीरुबिन का लेवल भी आपको रेज्ड मिल सकता है, हमने भी बात की थी कि किस तरह से, तो पेशेंट को जॉइंडस होगा, और ये 10% लोगों में ऐसा होता है कि जॉइंडस हो, और जॉइंडस भी मोस्टली 2 weeks आफ्टर द सिम्टम्स आता है, ऐसा नहीं कि पेशेंट पहली ही प्रेजेंटेशन उसकी जॉइंडस ही हो, तो पहले उसको ईचिंग होगी, प्यूराइटस होगा, फिर उसको जॉइंडस अपीयर होगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्नैरियो में कि पेशेंट आया किस कंप्लेन के साथ है, एक पेशेंट आया ही जॉइंडस के साथ है, वॉमिटिंग के साथ है, नोजिया के साथ है, वो डिफरेंट चीज़ है। एक पेशेंट कहता है कि मुझे 1 हफ्ते से ईचिंग है और अब हम देखा उसकी आईज भी येलो है, तो ये स्नैरियो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट प्यूराइटस एंड देन जॉइंडस, वो भी 10% लोगों में, ज़रूरी नहीं कि सब में हो। और उसके अलावा कि इथिस इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, आपने बाकी तमाम चीज़ों को रूल आउट करवाना है, और इन सीवियर डिजीज़ कोगुलोपैथी हो सकती है, पीटी प्रोलॉन्ग मिल सकता है, और अक्सर ये भी पूछते हैं कि इसकी रीअक्रेंस कितनी होती है, तो रीअक्रेंस इसकी 70% होती है। सो हाउ ईजी इट इज़, इसको आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी को ये डायग्नोज हो जाता है
तो हम क्या करेंगे कि LFTs उसकी वीकली मॉनिटर करेंगे डिलीवरी तक। इसकी डिजीज की खास बात क्या होती है कि अगर LFTs खराब आ गए तो वो स्टैटिक ही रहेंगे, मीन मोस्टली वो उतने ही रहेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उनका कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होता। अगर LFTs आपने 1 वीक के बाद कराया और फौरन नॉर्मल हो गए तो इसका मतलब है कि ये डिजीज लीस्ट लाइकली है, या LFTs आपने कराए और वो बहुत जल्दी डिरेंज्ड हो गए वेरी रैपिडली, तब भी लीस्ट लाइकली है कि यही डिजीज हो। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें डिरेंज्ड जो LFTs हैं वो स्टैटिक रहते हैं मोस्टली, उनका उतार चढ़ाव कम होता है। और अगर किसी स्नैरियो में लिखें कि पेशेंट के लैब टेस्ट करवाए, सबसे पहले तो बाइल एसिड्स खराब होने चाहिए, और लिखें कि सीरम बाइल एसिड्स नॉर्मल आ गए हैं, तो आपने 1 वीक के बाद रिपीट करवाना है, क्योंकि 1 वीक के बाद जो है मोस्टली रिपोर्ट खराब आती है। तो आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बिकॉज ये बच्चे के लिए काफी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का कॉज बनती है, इसीलिए आपने इसको निग्लेक्ट नहीं करना। और जब पेशेंट आपके पास आए तो आपने उसका कॉगुलेशन स्क्रीन भी करवा ले, क्योंकि कॉगुलोपैथी भी इसमें हो सकती है, और कॉगुलोपैथी होगी तो पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसका मतलब है अगर ब्लीडिंग है तो बड़ी सिवियर बीमारी है, एडवांस डिजीज हो गई है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस इन मदर, कॉम्प्लिकेशंस इन फीटस। मदर में कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि रिस्क ऑफ सी सेक्शन बढ़ सकता है 10 to 36%। और इसके अलावा क्योंकि लीवर के सेल्स खराब हो रहे हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन है, तो क्या हो जाएगा, कोगुलोपैथी होगी। कोगुलोपैथी होगी तो रिस्क ऑफ पीपीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस इन फीटस क्या होंगे कि प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, मीकोनियम पैसेज के चांस बढ़ जाते हैं, स्टिल बर्थ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्ली न्यूनेटल डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिलीवरी कब करवानी चाहिए? डिलीवरी जो है बिटवीन 37 to 38 वीक्स करवानी चाहिए, अगर LFT ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर LFTs खराब ही हुई जा रहे हैं या जॉन्डस ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें स्टैटिक चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, तो आप 37 वीक पर अगर पेशेंट आती है तो आप उसको इंडक्शन देते हैं। तो 37 to 38 वीक्स के दरमियान में तो डिलीवरी ज़रूर करवा देनी चाहिए। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, बिकॉज स्टिल बर्थ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साइलेंट डेथ हो जाती है और पता भी नहीं चलता, इसीलिए आपने डिलीवरी पे ध्यान देना है। और पेशेंट की जब आप डिलीवरी करवा लें तो आपने उसे ये कहना है कि बाद में उसने कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में जो कल्प्रेट है वो मोस्टली ईस्ट्रोजन होता है, तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फील्ड में क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है। अब आपने क्या ड्रग्स देनी होती हैं अगर पेशेंट को ये डिजीज हो? तो आप प्रेगनेंसी में जो ड्रग ऑफ चॉइस है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वो उर्सो है, उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। अगर ये ऑप्शन मौजूद है, हमेशा ये MCQ पूछ जाता है, तो आपने इसको टिक लगा देना है। अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो अक्सर ऑप्शन में H1 एंटेगोनिस्ट लिखा होता है, तो आपने इसको टिक लगाना है, बिकॉज इससे क्या होगा कि प्रोराइटिस को रिलीफ होगा। लेकिन बाज़ुकात दोनों ही ऑप्शन से मौजूद नहीं होते तो एक और ऑप्शन होती है कोलेस्टायरामीन। तो अगर उर्सो और H1 एंटेगोनिस्ट ना हो तो फिर आपने कोलेस्टायरामीन को टिक लगाना है। और अक्सर वो ये पूछते हैं कि मदर को पीपीएच ना हो तो आप कौन सी चीज़ देंगे, तो मदर को आप विटामिन के देंगे। हम विटामिन के इसलिए दे रहे हैं कि मदर को पीपीएच ना हो और जो बेबी बॉर्न है उसको ब्लीडिंग ना हो, और इसके अलावा जो बेबी बॉर्न होता है जाहिर सी बात उसको भी हम विटामिन के देते हैं। सो मैंने कुछ MCQs बनाए हैं, बेसिकली ये की वर्ड्स हैं जो कि होल टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर ले तो इंशाल्लाह आपके तमाम MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक ठीक होंगे। आप देखें किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि मल्टी ग्रेविडा है, ये भी एक ही पॉइंट है, उसको प्यूराइटिस है मोस्टली पाम और सोल्स में और रात के वक्त, और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो, नो हिस्ट्री ऑफ प्यूराइटिस इन फैमिली यानी स्केबीज नहीं है, एक्सकोरिएशन मार्क्स ऑन स्किन मौजूद हैं, कोई रैश नहीं है, डार्क यूरिन है, पेल स्टूल्स हैं, सीरम बाइल एसिड्स हमने करवाए तो वो ज्यादा है, 10 μmol/L या उससे ज्यादा का लफ्ज लिख दें, और अगर 40 μmol/L या उससे ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि डिजीज की सेवेरिटी ज्यादा है और इसकी वजह से एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम हो सकता है, कि ज्यादा चांसेस हैं प्रीटर्म लेबर के, स्टिल बर्थ के,
और प्रोलॉन्ग एडमिशन टू द न्यूनेटल यूनिट। इसके अलावा लीवर ट्रांस अमाइनेजिस यानी AST और ALT दोनों ज्यादा होंगे। आप बस ना याद रखें कि 30 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम ये 6 टाइम्स मोर इंक्रीज कर सकता है। बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होगा। LFTs जो हैं वो रिमेन स्टैटिक थ्रू आउट, यानी इनका जो वैल्यूज दफा आएगी रिपोर्ट पे मोस्टली उतनी ही रहेगी टर्म तक। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 to 2 weeks आफ्टर डिलीवरी जो LFTs हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगर 1 to 2 weeks आफ्टर डिलीवरी LFTs नॉर्मल ना हो तब भी आपने किसी और डिजीज को सोचना होता है। तो ये टिपिकल स्नैरियो चीख चीख के कह रहा है कि मैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हूँ, टेक मी। ओके, अब नेक्स्ट स्नैरियो। 24 ईयर की फीमेल है, ग्रेवडोवन पैराजीरो एट 11 वीक्स, मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, और उसको क्या है, इंट्रैक्टेबल नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर पास्ट वीक, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड है और ट्रैवल की भी कोई हिस्ट्री नहीं है। उसको जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन है। प्री प्रेगनेंसी वेट 65 kg था और अब उसका वेट 60 kg है, मतलब वजन भी कम हो गया है। डिहाइड्रेशन है, वजन कम हो गया है, बहुत ज़्यादा नौजिया और वॉमिटिंग है। सिर्फ वो प्री नेटल विटामिन ले रही है। अब लैब्स में क्या शो हुआ है कि ALT ज़्यादा है, AST ज़्यादा है और बिलीरुबिन का लेवल भी ज़्यादा है, और साथ में अमाइलेज और लाइपेज ये नॉर्मल हैं, और यूरिन में कीटोन्स मौजूद हैं। हेपेटाइटिस सीरोलॉजी भी नेगेटिव है। तो बताएं ये क्या चीज़ है। ये स्नैरियो चीख चीख कर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, सारे क्लूज इसमें मौजूद हैं। और जब वहाँ पर पेपर आएगा तो इतने क्लूज तो मौजूद होंगे, इतने की पॉइंट्स तो मौजूद होंगे जिसे आप पिक कर सकते हैं। तो ये है जी हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, और जिसने इसको पिक कर लिया इसका मतलब है उसे समझ लगी टॉपिक की। अब इसलिए आपने याद रखना है कि ALT और AST 2 to 4 times ज़्यादा बढ़ता है as compared to normal, और इसमें bilirubin 5 times तक बढ़ सकता है from the normal। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सिवेरिटी नहीं होती। अब ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पेपर में ये पूछा जा चुका है। सो, अगर कोई भी सिनेरियो लिखा हो कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी ट्राइमेस्टर गिवन हो और पेशेंट आई नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर 1 day, इसका मतलब है एक्यूट प्रेजेंटेशन है। देर इज जॉइंटस, नोजिया, एनोरेक्सिया, एबडोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, फेटीग, माइलेज, माइल्जिया एंड डार्क यूरिन, यानी इनमें से कोई ना कोई साइन सिम्टम्स मौजूद होंगे। अब हिस्ट्री क्या है कि शी वेंट टू द मार्केट विद हर सिस्टर 3 days back, इसका मतलब है ट्रैवल की हिस्ट्री है। तो उस सिनेरियो में ट्रैवल की हिस्ट्री ज़रूर होगी। वेयर शी हैड डिनर इन फूड स्ट्रीट, और उसने बाहर से कुछ ना कुछ खाया होगा। हर सिस्टर हैज सेम सिम्टम्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा प्री नेटल विटामिन पेशेंट ले रही थी सिर्फ। अब लैब्स में क्या है, ALT और AST बढ़े हुए हैं और उनका लेवल 1000 से ज़्यादा है। मीन इस डिजीज़ में लेवल इवन 10,000 तक होता है। तो कौन सी डिजीज़ है जिसमें AST, ALT थाउजेंड्स में हो। अभी तो सिर्फ मैंने 1000 लिखा है, लेकिन आपके स्नैरियो में 5000, 6000, 10,000 तक भी वो लिख सकते हैं। और टोटल बिलीरुबिन भी एलिवेटेड है। जबकि नोजिया और वॉमिटिंग हो पेशेंट को तो हम अमाइलेज और लाइपेज भी चेक करवा लेते हैं, तो अमाइलेज और लाइपेज नॉर्मल है। तो किसी भी स्नैरियो में कोई भी ट्राइमेस्टर हो, नोजिया और वॉमिटिंग और जॉइंटस एकदम से हो जाए, और उसने बाहर से पेशेंट ने कुछ खाया हो, और साथ में फैमिली हिस्ट्री भी हो कि किसी और ने जो साथ में खाना खाया उसको भी ये मसला बन गया है, तो ये कौन सी डिजीज होगी। जी ये होगी वायरल हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस होता है जो अगर फीमेल को हो जाए तो हमें बहुत डर लगता है, वो फीमेल के लिए बहुत लीथल होता है, दैट इज हेपेटाइटिस ई। तो अक्सर ये भी MCQ पूछते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस जो है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे ज्यादा लीथल होता है, फैटल होता है, दैट इज द हेपेटाइटिस ई। अब ये MCQ इसमें क्या है कि प्राइमरी ग्रेविडा इन थर्ड ट्राइमेस्टर आपके पास आई है विद अ कंप्लेन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग विद राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन,
पेशेंट को पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, मीन जो ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 4 मिलीमोल पर लीटर है, एएसटी एएलटी बढ़े हुए हैं और इस डिजीज में वो 5 to 10 टाइम्स तक बढ़ सकते हैं, मतलब काफ़ी लेवल इनका इसमें हाई होता है। बिलीरुबिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, टीएलसी भी इंक्रीज है, अमोनिया जो है वो बढ़ा हुआ है जो कि 40 माइक्रोमोल पर लीटर तक है या इससे ज़्यादा, पीटी एपीटीटी डिरेंज हो सकता है, स्टार्ट में नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत सीवियर डिजीज को शो करेगा। इसके अलावा जो ब्लड रिपोर्ट है वो शो कर रहा है कि एचबी जो है वो ठीक है, एलडीएच भी नॉर्मल है, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस नहीं हो रही, जॉइंडस पेशेंट को है, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल यानी नॉजिया और वॉमिटिंग हेपेटाइटिस की वजह से नहीं है, नो कीटोन्स इन यूरिन, नॉजिया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा भी नहीं है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन और कीटोन्स यूरिन में आ जाएं, तो ये हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम भी नहीं है। तो जी ये क्या है, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की थी जी, इट इज़ एक्यूट फैटी लिवर डिजीज ऑफ द प्रेगनेंसी। सो एक्यूट फैटी लिवर डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी रेयर डिजीज है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग है, ये 1 in 7,000 टू 1 in 16,000 प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करता है, मोस्टली ये प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में होता है और ऐसी फीमेल में जो कैरी कर रही हो मेल फीटस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट है वो 10% होते हैं, तो ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इस डिजीज में क्या होता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर होता है, कि ऐसे पेशेंट में नॉर्मली तो लीवर सेल्स फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, हालांकि उनकी एबिलिटी कम होती है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो प्लेसेंटा से भी फैटी एसिड्स आते हैं, उसको भी क्या करना होता है, मेटाबोलाइज करना होता है, तो जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस को क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे का सारा फैटी एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन द लीवर सेल्स, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिटी हो जाती है और लीवर सेल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो वही वाली बात है कि लीवर सेल्स जब नाराज हो जाते हैं तो एएसटी एएलटी इंक्रीज कर जाता है, बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाता है, तो पेशेंट को जॉइंटस हो जाता है और नॉजिया और वॉमिटिंग होगा। अब देखिए कोई भी स्नैरियो हो कि एक प्राइमरी ग्रेविडा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट का जो बीपी है वो हाई है, पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और पेशेंट की जो रिपोर्ट वो ये शो करी है कि एचबी 7 मिलीग्राम पर डीएल है, एलएफटीज जो हैं उसकी डिरेंज्ड हैं, एलएफटीज में क्या है कि बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा है, एएसटी का लेवल ज़्यादा है, एएलटी का लेवल ज़्यादा है और साथ में क्या है कि एलडीएच का लेवल ज़्यादा है, प्लेटलेट्स जो हैं वो लेस हैं, तो ये कौन सी डिजीज़ है और इसमें ग्लूकोज नॉर्मल है, अमोनिया नॉर्मल है, जॉइंटस पेशेंट में है, कीटोन्स यूरिन में नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये हेपेटाइटिस नहीं है, नो कीटोन्स इन द यूरिन, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम या डिहाइड्रेशन नहीं है और अमोनिया जो है वो नॉर्मल है, ग्लूकोज नॉर्मल है, मीन एक्यूट फैटी लिवर डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है। अब इस डिजीज़ की अपनी प्रॉपर्टीज के प्लेटलेट्स कम है, राइट, अगर प्लेटलेट्स कम हो और हिमोलिसिस हो रही हो, हिमोलिसिस की निशानी क्या है कि एलडीएच का लेवल ज़्यादा होगा और हिमोलिसिस की निशानी क्या है कि एचबी कम होगा और इसमें क्या होता है कि एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स होते हैं, एएसटी एएलटी और बिलीरुबिन का लेवल क्या है ज़्यादा, तो दिस इज द स्नैरियो अबाउट हेल्प सिंड्रोम। सो हाउ इजी इट इज to differentiate between obstetric cholestasis, acute fatty liver disease of pregnancy, hypermesis gravidarum, acute viral hepatitis, HELLP syndrome. I hope आपको समझ लग गई होगी, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स।